बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्टिंग चिकन। चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 kg चिकन लेग पीस। इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 teaspoon पेपरिका पाउडर, 3 tablespoon लेमन जूस, 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर, 1 teaspoon तंदूरी मसाला, 1/2 teaspoon मैंने यहाँ लिया है गरम मसाला, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 4 tablespoon योगर्ट, नमक मैंने यहाँ 1/2 teaspoon लिया है, यह हस्बे जायका है, 1 teaspoon सफेद मिर्चों का पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर। इन सबको हम अब चिकन में मैरिनेट करेंगे। मैंने योगर्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पेपरिका ऐड करेंगे। सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर और तंदूरी मसाला, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, नमक, सफेद मिर्चों का पाउडर और जीरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें चिकन को इसमें मिक्स करेंगे। हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम चिकन को इसमें मैरिनेट करेंगे। और ये जो हमने कट लगाए हैं, इसके अंदर भी मसाला हम अच्छे से लगाएंगे ताकि मसाला चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। आप इसको 4 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूंगी बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको स्टीम देंगे, तो चलें स्टीम की तरफ आते हैं। हमने इस बर्तन में पानी लिया है स्टीम बनाने के लिए, और इसमें हमने ये एक रिंग रखा है ताकि हमारी डिश पानी में टच ना कर सके। हम पानी में यहाँ पे 2 अदद लौंग डालेंगे, 2 अदद छोटी इलायची डालेंगे और 2 अदद ही दालचीनी डालेंगे और 2 अदद तेजपात के डालेंगे। क्योंकि ये हमने इसलिए डाला है कि जब हम अपनी चिकन को स्टीम करेंगे तो इसका अच्छा सा चिकन पे अरोमा आए। तो अब हम इसमें ये डिश हम अपनी इसमें रखेंगे और अब हम इसमें फॉइल मैं यूज करूंगी ताकि फॉइल जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। आप चाहें तो इसमें पार्चमेंट पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें फॉइल लगाएंगे और फिर हम चिकन को स्लो पर रखेंगे। हमने यहाँ इस तरह से फॉइल लगाया है। अब हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे। हम सारी चिकन इस तरह से रख देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हमने अपनी सारी चिकन यहाँ रख दी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चों को इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये दिखने में जरा अच्छा लगे। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके इस तरह से हम इसको कवर करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको हाई पे पकाएंगे। 1 hour later 1 घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारी चिकन रेडी हुई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टीम हुई है, ये देखें। अगर आपकी चिकन एक घंटे में ना हो तो आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं ताकि आपकी चिकन अच्छे से बन जाए। तो अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। आपने चिकन को डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से हमारी चिकन बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है और हमने इसके ऊपर जो कुटी हुई मिर्चें डाली थी वो भी हमारी चिकन में माशाल्लाह से बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये देखें, ये गल भी बहुत अच्छे तरीके से गई है, ये थोड़ी गर्म है, ये देखें कितनी अच्छी ये गल गई है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा टेस्ट आया है। इसके जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।